पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें देश के विकास में अमेरिका का साथ जरूरी है। शहबाज ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के खत के जवाब में ये बात लिखी। दरअसल 30 मार्च को बाइडेन ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज को खत लिखा था। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को अहमियत देने की बात कही थी। चीन के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर वहां की 30 जगहों के नाम बदल दिए गए। चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी। हालांकि किन जगहों के नाम क्या रखे गए हैं इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब चीन ने अरुणाचल की जगहों का नाम बदला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत की अवधि आज खत्म होने के बाद उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसे लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब 15 अप्रैल तक केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। आपको बता दें कि कथित शराब नीति घोटाले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। वहीं केजरीवाल ने जेल में अपने साथ कुछ चीजें ले जाने की अनुमति मांगी। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके भाजपा में आज शामिल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने महापौर विक्रम आहाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि नकुलनाथ के आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान से आहत होकर महापौर विक्रम आहाके ने पार्टी छोड़ दी है। महापौर के साथ छिंदवाड़ा नगर निगम जल विभाग सभापति प्रमोद शर्मा समेत कई कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। सत्ता का संग्राम लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए बयान दे रहे। इसी सिलसिले में अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी इसके आगे कोई नहीं है। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी जीतेगी। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पहले नगरी दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम ने नगरी की कृषि उपज मंडी परिसर में जनसभा को संबोधित किया और कांकेर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी भोजराम नाग के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान सीएम साय ने महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने पद्मश्री रस्कीन बॉन्ड से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने साहित्य से जुड़े कई बिंदुओं पर लंबी चर्चा भी की। वहीं उन्होंने हिमालय में लेखक गांव के निर्माण को लेकर भी रस्कीन बॉन्ड का सहयोग मांगा। नगरी के तहसील साहू समाज नगरी हिवासा का वार्षिक महाधिवेशन परसा पानी परिक्षेत्र के डूंगर डूला में हुआ, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील साहू समाज नगरी सिहावा के अध्यक्ष पुनित राम साहू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। रुड़की के मलिकपुर चुंगी में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा हरिद्वार सीट से बसपा प्रत्याशी मौलाना जमील अहमद ने जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी समेत दूसरे दलों ने जो वादे जनता से किए हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जमीन से जुड़ी पार्टी है, सारे वादे पूरे करेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मसूरी में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार मोदी सरकार जासो पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी है। जनता के सहयोग से इस बार फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सीबीआई या ईडी से क्यों डर रहा है, अगर वो सही है तो जांच एजेंसियों का सामना करे। डिंडोरी के अमरपुर में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने शिरकत की। इस दौरान ओमकार सिंह मरकाम ने बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते इतने सालों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर भी पूरा संसदीय क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी के लोकसभा चुनाव से पहले आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। मैं जयंत सिंह और रालोद में अपने साथियों का आभार। लखनऊ में बीएसपी पार्टी ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल शामिल हुए, जहां विश्वनाथ पाल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बसपा अकेले नहीं है, जनता का गठबंधन है और बसपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जनता गठबंधन के सामने चाहे इंडिया हो या एनडीए सभी विफल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में शनिवार को मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के दौरान डीएम गाजीपुर आर्या का अखौरी और अफजाल अंसारी के बीच तीखी बहस हो गई। आजाद अधिकारी सेन
सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस बात की शिकायत भारत सरकार के मुख्य सचिव से की। ठाकुर ने डीएम के काम और व्यवहार को सर्विस मैनुअल के खिलाफ बताया। देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जागदंडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए सर्विस वोटरों की कुल संख्या 93,187 है, जिसमें टिहरी लोकसभा सीट पर 12,862, गढ़वाल लोकसभा सीट पर 34,845, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 29,105 प्रत्याशी। हापुड़ में लापता मासूम का शव खंडहर मकान पर मिलने से सनसनी फैल गई। मामला बहादुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां घर के बाहर खेल रही 6 साल की मासूम गायब हो गई। अब मासूम का शव घर से कुछ दूर एक खंडहर मकान में पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रयागराज में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला फाफामऊ थाना क्षेत्र का है। दो पक्षों में शराब के नशे में मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीतापुर में पति पत्नी के विवाद में पति ने खुद को गोली मार ली। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने खुद को गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। इटावा के सिविल लाइन थाने में तैनात दरोगा ने अपने कमरे में खुद को गोली मार ली। आनन फानन में दरोगा सत्येंद्र वर्मा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दरोगा को मृत घोषित कर दिया। दरोगा संजय कुमार वर्मा ने खुद को गोली क्यों मारी, अभी तक इस कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बहराइच जिले से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसके बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा, जहां वजीरबाग मोहल्ला निवासी एक सफाई कर्मी ने पत्नी के ड्यूटी पर जाते ही अपनी सौतेली बेटी और पुत्र का गला चाकू से काट दिया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई और बेटी की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में है। जालौर में 50 साल के व्यक्ति की सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, साथ ही शव की शिनाख्त करने के बाद कब्जे में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति की हत्या शराब पीने के दौरान की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में घर से मरूल स्कल के लिए निकली नाबालिग छात्रा अचानक लापता हो गई। छात्रा जब शाम तक घर पहुंची तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने छात्रा की कई जगह तलाश की, लेकिन छात्रा का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे छात्रा के परिजन घबराए हुए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि छात्रा को जल्द बरामद कर लिया जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। मामला इटवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला का शव मिला, जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया। घरवालों से बातचीत करने पर ये पता चला कि उसका पति है, वो संभवतः उसी ने हत्या की है। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। मंदसौर में भानुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्मैक परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चौकी प्रभारी गौरव लाड के निर्देशन में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। इस दौरान 200 ग्राम स्मैक भी पुलिस ने जब्त कर लिया। दरअसल आरोपी बाइक से स्मैक परिवहन कर रहा था, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है। सरगुजा पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 500 से अधिक नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आरोपी अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के नशीले इंजेक्शन की बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोच लिया। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में खनिज और पुलिस की टीम ने रेत का अवैध परिवहन करते 7 वाहनों को जब्त कर दिया। बता दें कि जिले के चैनपुर और चमटी मार क्षेत्र में अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतें लगातार आ रही थी, जिसको लेकर कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त टीम गठित की। टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त कर दिया। महासमुंद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब भट्टी पर छापा मारा। मामला सरायपाली ब्लॉक का है, जहां अवैध रूप से देसी महुआ शराब भट्टी संचालित हो रही थी। आबकारी विभाग ने अवैध शराब भट्टी पर छापा मारकर भारी मात्रा में महुआ लहान और साथ ही देसी महुआ शराब भी बरामद कर ली है।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में आबकारी विभाग ने कमरिया गांव के पास दो भट्टियों को नष्ट किया और 80 लीटर कच्ची शराब जब्त कर ली। साथ ही टीम ने 2000 किलोग्राम लाहन भी नष्ट कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी आबकारी विभाग जल्द जगह जगह दबिश देकर सैकड़ों लीटर लहन नष्ट कर चुका है। सहारनपुर में चोर ने सरेआम दुकानदार के गल्ले से 5000 रुपए चोरी कर लिए और मौके से फरार हो गया। घटना कोतवाली नगर की है, जब दुकान का मालिक अपने किसी परिचित से बातचीत के लिए मशगूल था। चोर ने मौके का फायदा उठाकर गल्ले से चोरी कर फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जशपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां घटना तपकरा थाना क्षेत्र के लवकेरा की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सागर में तेज रफ्तार ट्रक की ईको वाहन से भिड़ंत हो गई। हादसा कानपुर सागर रोड का है, जहां ट्रक और ईको वाहन की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक कढ़ा गोटा के लोग ईको वाहन से ओरछा राम राजा सरकार के दर्शन करने लौट रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ। उमरिया में पिपरिया के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान युवक की चिकित्सालय में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के कटियापारा क्षेत्र में रविवार देर शाम एक मकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं बच्चे और पति को गंभीर हालत में हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। मामले में एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मकान मालिक ने थिनर बनाने के लिए घर में तारपीन तेल रखने की वजह से यह हादसा हुआ। अमेठी में एक युवक ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उसमें सिपाही रमाकांत और उसके साथियों पर आरोप लगाया है कि सिपाही ने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार करने की कोशिश की। वीडियो में युवक बोल रहा है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कौशाम्बी में पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले आधे दर्जन से अधिक व्यक्तियों को हिरासत में लिया। मामला सैनी थाना क्षेत्र का है, जहां चंगाई सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रार्थना के जरिए बीमार व्यक्तियों को रोग ठीक किया जाता था, लेकिन चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का काम भी हो रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा के जेवडन गांव में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहां खनन माफिया अवैध खनन का काम जोरों शोरों से कर रहे हैं। खनन माफिया अवैध मुरुम का खनन कर ट्रैक्टरों और ट्रकों से सप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लखनऊ में मौला अली की याद में 21वीं रमजान का जुलूस निकला, जहां रुस्तम नगर से शानो शौकत के साथ में हजरत अली का ताबुक निकला। बता दें कि जुलूस में लाखों की संख्या में शिया समुदाय के साथ हर धर्म के लोग शिरकत करते हुए नजर आए। जुलूस के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। सहारनपुर के गंगोह ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र तित्रो पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। स्वास्थ्य केंद्र में ना तो स्टाफ कर्मी है और ना ही सफाई कर्मी। स्वास्थ्य केंद्र पर महज एक फार्मासिस्ट उपलब्ध है, जो पंजीकरण भी करते हैं और पंजीकरण के बाद दवाइयां भी देते हैं। सफाई कर्मी के नहीं होने से स्वास्थ्य केंद्र के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए काशीपुर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी के चलते एसडीएम कार्यालय में एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ में बैठक की, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के बैनर लगाने और जनसभा करने के लिए अनुमति लेने की बात कही। बैठक में बताया गया कि सीनियर सिटीजन, विकलांग लोग और गर्भवती महिलाओं के लिए घर बैठे वोटिंग करने की व्यवस्था भी की गई है। गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने मौजूदा सीजन के 12वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए।
दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में पहली जीत हासिल कर ली है। टीम ने मौजूदा सीजन के 13वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराया। मैच विशाखापट्टनम में हुआ जहां दिल्ली ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 191 रन बनाए। 192 रन के टारगेट के सामने चेन्नई 20 ओवर में 6 विकेट खोलकर 171 रन की ही बना सकी। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने विशाखापट्टनम के ग्राउंड स्टाफ के साथ फोटो क्लिक कराई। सीएसके ने धोनी की ग्राउंड स्टाफ के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। रविवार को विशाखापट्टनम में सीएसके का सामना डीसी से हुआ जहां उसे 20 रनों से हरा दिया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों के बीच 17वें सीजन का 14वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। 7:30 बजे ये खेल खेला जाएगा जहां 5 बार की चैंपियन मुंबई अपने दोनों शुरुआती मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। बीते शनिवार मुंबई स्थित अनिल कपूर के घर के बाहर डायरेक्टर एस शंकर स्पॉट किए गए। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं जहां दोनों को साथ में देखा जा सकता है और ये कयास लगाया जा रहा है कि फिल्म नायक 2 बनाने की तैयारी कर रही है। इस महीने ओटीटी पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की बैक टू बैक दो फिल्में मर्डर मुबारक और ए वतन मेरे वतन रिलीज हुई। इन दोनों की फिल्मों को पब्लिक का पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इसी बीच एक्ट्रेस मुंबई की सड़कों पर जरूरतमंदों को खाना बांटती नजर आई। वो अपनी कार से फूड पैकेट्स लेकर निकली और सड़क किनारे बैठे जरूरतमंदों को बांटने लगी। रणवीर कपूर ने द कपिल शर्मा शो के हालिया एपिसोड में एक घटना को याद किया है जब उन्हें पिता ऋषि कपूर ने मारा था। रणवीर ने बताया कि वो एक बार आरके स्टूडियो के मंदिर में चप्पल पहनकर चले गए थे। इस बात से ऋषि कपूर बेहद नाराज हुए थे और उन्होंने रणवीर की पिटाई कर दी थी। '98 में रिलीज हुई करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म कुछ कुछ होता है में सलमान खान का एक्सीडेंटेड कैमियो था। अब इस फिल्म के 25 साल बाद करण जौहर ने अपनी प्रोडक्शन की फिल्म द बुल में सलमान खान की कास्टिंग की है। पिछले कई दिनों से फिल्म में गलियारों में यही चर्चा है कि डेट्स फाइनल न होने पर सलमान खान ने फिल्म छोड़ दी। मध्य प्रदेश में 3 दिन तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से मौसम बदला रहा। इसके बाद गर्मी का असर फिर से बढ़ गया है। रविवार को शिवपुरी में दिन का टेम्परेचर 41 डिग्री पहुंच गया। वहीं रतलाम खंडवा और नर्मदापुरम में गर्म रही हवाएं तो वहीं पर अप्रैल के पहले सप्ताह में मौसम के 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहे हैं। झारखंड में आज से तापमान बढ़ेगा। कल रात राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। राजधानी रांची में तेज हवा और बारिश का असर देखने को मिला। अब राज्य में धीरे धीरे तापमान में बढ़त महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के कुछ जिलों में आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं लेकिन मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे तापमान के बाद 5 जिलों के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 5 जिलों में पहली पाली में संचालित होने वाले स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। वहीं 2 पाली में संचालित होने वाली शालाएं सुबह 11 से दोपहर 3:30 बजे तक लगेगी। सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी की ओर से आदेश जारी कर स्कूल के समय में बदलाव कर दिया गया है।